मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं मेट्रो से ऑफिस जा रहा हूँ, क्लोज ऑफिस मेट्रो से जाता हूँ और मैं आज आप सबको दिखाना चाहता हूँ या खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से क्या इम्पैक्ट पड़ा है मेट्रो ट्रैवल पे, कितना सेफ लग रहा है, कितना सेफ नहीं है। मैंने एंट्री कर ली है और अभी तक ऐसा लग रहा है कि ऑफिस से थोड़ा सा कम है रश। मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है फॉर माय सेफ्टी, मास्क नहीं पहना है बिकॉज मास्क से बार बार इरिटेट होता है, टच करता हूँ फेस तो वो नहीं रखा है। एवरेज रश है, लोगों ने कम नहीं किया है, इतना ही होता है नॉर्मली। ऐसे मुझे लगता है कि मेट्रो में ट्रैवल करना उतना सेफ ही नहीं है बिकॉज सबसे ज़्यादा रश इसी पर होता है। फर्स्ट स्टेशन चढ़ने के बाद ये सिचुएशन है और नेक्स्ट स्टेशन जो आ रहा है देखते हैं कितने लोग चढ़ते हैं। काफ़ी लोग चढ़े हैं सब भी। ये जो स्टेशन है ये मेजेस्टिक स्टेशन है, जैसे जहाँ पर इंटरचेंज करना होता है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नॉर्मली से कम रश है यहाँ पे। यहाँ पर दूसरी मेट्रो चेंज करनी होती है तो ये वाली तो पूरी फिल हो गई है तो इसमें नहीं चढ़ूँगा, क्यों रिस्क लेना वैसे भी। एंट्री लग रही है मेरे को। यहाँ पर नॉर्मली मेट्रो आती तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, एटलीस्ट ये यहाँ यहाँ तक, तो आज बिल्कुल भी लाइन नहीं है, जिससे पता चलता है कि यस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कोरोना वायरस की वजह से मेट्रो राइडरशिप पे। फैसिलिटी एडिशनल कुछ प्रिकॉशन लिया हो मेट्रो ने, जो लोग चेक कर रहे हैं वो मास्क पहन के हैं, उसके अलावा एडिशनल कुछ किया नहीं है। मेट्रो ने कुछ कर सकते थे या नहीं। तो ये ट्रैफिक होता है इस सड़क पे, ये भी कम है, शायद बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं इस वजह से रश कम है, ट्रैफिक कम है। मेरे को लग रहा था कि अगर मेट्रो में रश कम है तो रोड्स पे काफ़ी रश रहेगा, तो मुझे लग नहीं रहा कि ट्रैफिक ज़्यादा है। तो लोग क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? तो ये थी हमारी सिचुएशन बैंगलोर मेट्रो की, क्या चल रहा है मेट्रो में। तो मेरे हिसाब से ट्रैफिक बहुत कम था, रश बहुत कम था, सेफ है या नहीं है ये आई थिंक हमें हमारा इंडिविजुअल डिसीजन होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके चले जाओ, अच्छा लगता है मेट्रो भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर करो ये बैंगलोर मेट्रो लोगों के साथ भी, अगर ये पहुँच जाए तो शायद कुछ वो एडिशनल चेक्स कुछ डाल सकें। Thank you so much. Keep watching and see you next time. Bye. अपडेट ये है बैंगलोर मेट्रो का कि कुछ उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं। एक, खड़े होके नहीं जाएगा मेट्रो में, सब लोगों को बैठ के ही जाना है। दूसरा, जो लोग बैठे भी हैं वहाँ पे जो सीट्स बनी है, एक सीट और दूसरी सीट, इन दोनों सीट के बीच में एक गैप रहेगा, यहाँ पे कोई बैठा है गैप फिर यहाँ पे बैठेगा। तो ये एक दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट ये है कि जो हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं वहाँ पे भी एक के पीछे एक जो हम खड़े हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके ही खड़े रहेंगे, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। फोर्थ ये है कि अगर ड्राइवर जब आ रहा है स्टेशन पे, अगर वो देख रहा है लोग लाइन में
खड़े नहीं है ठीक तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके, तो वहाँ पर वो मेट्रो नहीं रुकेगी और वो सीधे आगे चली जाएगी। आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है बैंगलोर मेट्रो ने टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। लोगों को भी अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेते रहने चाहिए, हाथ अच्छे से धोना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करने चाहिए, मास्क यूज़ कर लो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लग रही है आपको, और आई थिंक हमें अपने जो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं गवर्नमेंट से वो हमें अच्छे से फॉलो करें।